भारत माता की इंकलाब इंकलाब। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में मिली 14 सीटों पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी गदगद है। निकाय चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद गुरुवार को आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में विजय रथ यात्रा निकाली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, चंडीगढ़ वालों, आपने चमत्कार कर दिखाया, आपके इस भरोसे को हम कभी टूटने नहीं देंगे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने। चंडीगढ़ वालों, आपने कमाल कर दिया, आपने चमत्कार कर दिया, पूरे देश का दिल जीत लिया आपने। जब से चंडीगढ़ के नतीजे आए हैं, सारे देश में लोग कह रहे हैं, यार हो तो सकता है, इनको हराया तो जा सकता है। पहले दिल्ली में हराया इन दोनों पार्टियों को, अब चंडीगढ़ वालों ने हरा दिया इन दोनों पार्टियों को। आज मैं पूरे चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ के एक एक नागरिक का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं कि आपने जो भरोसा हमारे ऊपर किया है, इस भरोसे को और मजबूत करेंगे, कभी भी टूटने नहीं देंगे हम लोग। आपने जो प्यार और मोहब्बत दिया है, ये दिन हर दिन दुगना चुगना होता जाएगा, इसको प्यार को कम नहीं होने देंगे, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। एक एक जो आपने हमारे एमसी को चुना है, कैंडिडेट्स को चुना है, उन सबसे मैं कहना चाहता हूं, ये आसान बात नहीं है। ये दोनों पार्टियां बहुत पुरानी पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, बीजेपी इतनी पुरानी पार्टी है, इनके इतने बड़े बड़े नेता थे। चंडीगढ़ की जनता ने अगर उन सारे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को हराया है, आपके ऊपर विश्वास किया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है रात दिन 24 घंटे तन मन धन से चंडीगढ़ के लोगों की सेवा करना। आज चंडीगढ़ ने दिल्ली के काम देख के वोट दिया, लोगों ने देखा यार दिल्ली में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, दिल्ली में इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, बिजली पानी ठीक कर दिया, इसीलिए इनको चंडीगढ़ में मौका दो। दिल्ली हमें पहला राज्य मिला था, चंडीगढ़ हमें पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिली है। जैसे दिल्ली को देख देख के बाकी और जगह वोट मिल रहा है, अब चंडीगढ़ में हमें इतना अच्छा काम करना है कि चंडीगढ़ को देख देख के बाकी देश की जनता हम लोगों को वोट दे। तो चंडीगढ़ के एक एक एमसी के ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। सबसे मैं ये भी कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी से के सारे ऑफिस बेरर से, सभी एमसी से, चुनाव के वक्त राजनीति होती है, अब राजनीति खत्म हो गई। अब चाहे कोई बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे अकाली दल का है, वो सारे हमारे हैं, किसी में भेदभाव नहीं करना। जो आम आदमी पार्टी को 14 सीट मिली, बीजेपी को 12 सीट मिली, कांग्रेस को 8 सीट मिली, अकाली दल को 1 सीट मिली, ये सारे बीजेपी वाले भी अपने ही हैं, ये कांग्रेस वाले भी अपने ही हैं, ये अकाली दल वाले भी अपने ही हैं। हमें सबका काम करना है, हमें ये नहीं सोचना कि ये तो उस पार्टी का कोई वोटर भी है, किसी ने अगर कांग्रेस को वोट दिया, हमें उसका ज्यादा काम करना है ताकि अगली बार वो हमें वोट दे। अगर कोई अकाली दल का है, कोई बीजेपी का है, उसने अगर बीजेपी को वोट दिया, उसका ज्यादा काम करो ताकि बीजेपी वाला अगली बार हमें वोट दे। चंडीगढ़ को वापस देश का सबसे खूबसूरत शहर बनाना है, सिटी ब्यूटीफुल वापस बनाना है। इस विजय रैली में पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ ही नगर निगम का चुनाव जीतने वाले 14 पार्षद, नेता, कार्यकर्ता और सांसद भगवंत मान जैसे कई बड़े नेता शामिल हुए। इतना ही नहीं, रैली में केजरीवाल ने अपने 14 पार्षदों को शपथ भी दिलवाई। बता दें कि इस रैली में शामिल हुए प्रदीप छाबड़ा ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए, जिसके बाद पूरा शहर भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।